क्या आप अपने बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की सोच रहे हैं? अगर ऐसा है और आपने मन बना लिया है कि बच्चे को वैक्सीनेशन या नवजात बच्चे को खासकर वैक्सीनेशन या किसी अन्य कारण से आपको हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो वहाँ ले जाने से पहले एक बार आप इस रिपोर्ट को ज़रूर देख लें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके साथ भी वही हो जो दिव्यांश और उसके परिवार के साथ हुआ। नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको जो घटना बताने वाले हैं, जिस घटना के बारे में जानकारी देने वाले हैं, वो सुनकर आपको ये लगेगा कि शायद वो समय आ गया है जब हमें खुद के अलावा किसी और पर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब मामला एक नवजात नन्हे शिशु से जुड़ा हुआ हो। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ दिव्यांश के परिवार के साथ। दिव्यांश, जिसकी उम्र महज 4 माह थी, और उसका बड़ा भाई जिसकी उम्र 4 साल थी, उसको कुछ प्रॉब्लम थी, स्पाइनल कुछ प्रॉब्लम थी, आयुष उसका नाम था। और आयुष और दिव्यांश को लेकर उसका परिवार दौसा से जयपुर आया था। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आयुष को एडमिट करवाया गया था। उसके परिवार में दादा कालूराम जी, दादी धोली देवी, फादर अंकुर योगी जी और मदर खेला देवी जी, ये सभी लोग दोनों बच्चों को लेकर वहाँ सवाई मानसिंह अस्पताल, जिसको SMS हॉस्पिटल भी कहते हैं, वहाँ आए थे। 24 जुलाई को बच्चे को, आयुष को वहाँ एडमिट करवाया गया था। 1 हफ्ता हो गया, बच्चे का नंबर नहीं आया। सरकारी अस्पतालों में अपनी एक व्यवस्था होती है जिससे आप और हम सभी लोग वाकिफ हैं। आयुष और दिव्यांश के पिता अंकुर योगी को लगा कि 1 हफ्ता हो गया, जरा जाकर घर बार संभाल आना चाहिए, तो वो अपने घर दौसा चले गए। इसी बीच में आयुष और दिव्यांश के दादा दादी से एक अनजान शख्स ने परिचय बढ़ाने की कोशिश की। ये शख्स उन्हें अस्पताल के पास में ही एक पार्क था, वहाँ मिला था। 3 अगस्त को जो बुधवार था, और उसी दिन पार्क में ये शख्स, राजू नाम का शख्स, उनसे मिला और उसने बताया कि उसके छोटे भाई को भी वही प्रॉब्लम है जो कि आयुष को है, और ये भी कि अच्छे डॉक्टर को दिखाने पर उसका इलाज संभव है। वो उन्हें SMS अस्पताल के पास ही एक सूर्य अस्पताल है, वहाँ ले गया और आयुष की रिपोर्ट्स डॉक्टर भास्कर को दिखाई। ये दोपहर में 12:30 बजे का समय था जब ये सारा प्रकरण हो रहा था, जब आयुष की रिपोर्ट्स को डॉक्टर भास्कर को दिखाया गया था। शाम को वो शख्स दोबारा आयुष के दादा दादी से मिला। उस समय खाना बटने की तैयारी हो रही थी, खाना बटना शुरू हो गया था, तो दिव्यांश और आयुष की दादी ने कहा कि वो आयुष के लिए खाना लेकर जाती है, और वो दिव्यांश जो कि जिसकी उम्र महज 4 माह थी, वो उसको भी अपने साथ ही लेकर जाने लगी। लेकिन ये जो अनजान शख्स जिसका नाम राजू था, इसने उन्हें कहा कि बच्चे को कहाँ लेकर जा रही हैं, या दादा के पास छोड़ दीजिए, वो ध्यान रख लेंगे, मैं भी यहीं बैठा हूँ, आप जाइए और अपने पोते को खाना खिलाइए। दादी को भी बात सही लगी, उन्होंने खाना लिया और आयुष के वार्ड में चली गई। आयुष की माँ उनके साथ ही थी। जब कुछ देर बाद वो लौटी तो देखा कि नन्हा दिव्यांश वहाँ से गायब है। दिव्यांश भी वहाँ नहीं था, और ये जो अनजान शख्स जिससे उसी दिन उनका परिचय हुआ था, ये भी वहाँ से गायब हो चुका था। वहाँ पर तुरंत इस चीज़ को लेकर हड़कंप मच गया कि एक नन्हा बच्चा जो चल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, आखिर कहाँ गायब हो गया है। ये समझते देर नहीं लगी कि जो अनजान शख्स था जिसका नाम राजू था, यही उस बच्चे को लेकर कहीं गायब हो गया है। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, बच्चे का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें, या हमें कहें कि सबसे हैरतअंगेज बात ये थी कि उस अस्पताल में 90 CCTV कैमरा लगे हुए थे, और ये जो अनजान शख्स था राजू नाम का, इसने उन सभी 90 कैमरास को चकमा दे दिया और बच्चे को लेकर गायब हो गया। फिर पुलिस के हाथ लगा सूर्य अस्पताल का एक CCTV फुटेज। उसका एक फुटेज ऐसा था जिसमें कि ये शख्स नजर आ रहा था।
इस व्यक्ति का वहाँ से फोटो निकाला गया और सब जगह वायरल कर दिया गया सोशल मीडिया पर। 10 पुलिस टीम लगी इस केस को जांच पड़ताल में बच्चे को ढूंढने के लिए। 6 थानों के 100 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मी बच्चे को ढूंढ रहे थे। बच्चे का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। 5,000 का रिवार्ड भी अनाउंस हो चुका था। तब इन्हें कहीं ये एक दिन एक इन्फॉर्मेशन मिली एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को इस राजू नाम के शख्स के बारे में, और पता चला कि ये सुबह दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है और पिछले 3-4 दिनों से इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी से तीसरी कड़ी को जोड़ते हुए आखिर में पुलिस इस शख्स के पास पहुंच गई। जब ये वहां पहुंचे तो देखा कि नन्हा दिव्यांश, ये जो राजू उर्फ हेमेंद्र नाम का जो शख्स था, इसके जो वहां घर में महिला थी उसकी गोद में खेल रहा था। अब ये जो महिला थी इसको लेकर भी स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग बातें आई हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये महिला हेमेंद्र की पत्नी थी, तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि महिला उसकी पत्नी नहीं होकर बल्कि वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में थे पिछले कई सालों से, और इस महिला के पहले से पहले जो पति था महिला का उससे 3 बेटियां थी और 1 बेटा था। बेटा अपने पूर्व अपने पिता के साथ ही रहता था जो महिला का पूर्व पति था, लेकिन बेटियां संभवतः इनके साथ रहती थी, और इन दोनों को की ये इच्छा थी कि एक बेटा भी होना चाहिए। और इसके लिए जो हेमेंद्र है वो काफ़ी दिनों से फिराक में था, वो रेकी कर रहा था अस्पतालों की जहाँ से वो किसी बच्चे को किडनैप कर सकता हो, ले सकता हो। तो इस तरह से पुलिस वहाँ पहुँची, बच्चे को उनसे लिया। पहले तो वो महिला देने के लिए तैयार ही नहीं, उसने ये भी बरगलाने की कोशिश की पुलिस को कि ये लड़का नहीं है बल्कि लड़की है। पुलिस के पास जो फोटो थी वो पुरानी थी, मैच करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तब उन्होंने महिला की गोद में ही उस बच्चे की फ़ोटो ली, फिर परिवार को दिखाया, और तब कहीं जाके खुला कि नहीं, ये दिव्यांश ही है, ये उनकी बेटी नहीं है। और इस तरह से ये पूरा प्रकरण जो है वो सामने आया। हेमेंद्र को जो ये किया गया, हेमेंद्र को जो पकड़ा गया वो मानसरोवर इलाके से पकड़ा गया। और ये जो पूरा प्रकरण है, पूरा जो घटना, पूरी जो घटना है, पूरा जो मामला है, ये राजस्थान के जयपुर जिले में, जो कि जयपुर राजधानी भी है राजस्थान की, वहाँ ये घटा है। तो हम आपसे यही कह रहे हैं कि नवजात शिशु आज की डेट में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, इसलिए आप उनको लेकर कभी भी कहीं पब्लिक प्लेस पर अगर जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बच्चों को लेकर आपको थोड़ा भी लापरवाह नहीं होना है। बच्चा अपना है या किसी और का, थोड़ी सतर्कता बरतिए। थोड़ी सी सजगता से, थोड़ी सी सतर्कता से आप इन बच्चों को किडनैप होने से बचा सकते हैं, आप ह्यूमन ट्रैफिकर्स का शिकार होने से बचा सकते हैं। पालोना काफ़ी समय से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देश में बड़े पैमाने पर सरकारी अस्पतालों से खासकर नवजात बच्चों की चोरी हो रही है, और इनकी चोरी एडॉप्शन के लिए की जा रही है। बेसिकली एडॉप्शन में काफ़ी समय लग रहा है, लोग आजिज आ गए हैं, वो कारा का वेटिंग पीरियड काफ़ी लंबा होने लगा है, और इसकी वजह से वो इधर उधर के रास्ते सोचते हैं कोई शॉर्टकट रास्ता हो जहां उन्हें जल्दी बच्चा मिल जाए। और वैसी परिस्थिति में इस जो ट्रैफिकर्स होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकर्स होते हैं, वो नवजात बच्चों की चोरी करते हैं और उन लोगों को बेच देते हैं। इसके लिए ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स भी हो रहे हैं, मतलब संगठित गिरोह भी इस बच्चों को चोरी कर रहे हैं, और इंडिविजुअल कोशिशें भी हो रही हैं, जैसे कि इस मामले में जयपुर के आपने देखा, इसमें जो ये बच्चे को किडनैप किया गया है ये किसी और को बेचने के लिए नहीं, बल्कि हेमेंद्र और राजू ने अपने ही पास रखने के लिए, अपने ही घर में खुद ही पालने पोसने के लिए उन्होंने किया। तो चाहे ये संगठित प्रयास हैं या फिर एकल प्रयास हैं, इंडिविजुअल प्रयास हैं, जो भी है, बच्चे तो हमारे संकट में हैं, और उनका बचाव तभी हो सकता है जब हम उन्हें लेकर विशेष रूप से सतर्क हों। शुक्रिया।